आपका सिहारा हेल्पलाइन सोसाइटी की जानिब से गरीबों को बांटे गए 230 लिहाफ। एक कदम नेकी की ओर बढ़ाते हुए हर साल की तरह इस साल भी नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन सोसाइटी के जिम्मेदारान ने गरीबों को लिहाफ बांटे और नेकी अपने नाम कर ली। बताते चले कि हेल्पलाइन सोसाइटी पिछले 16 सालों से लगातार इंसानी खिदमत को अंजाम दे रही है। इस तंजीम से जुड़े लोगों में जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों की खासी तादाद मौजूद है, जो बिना भेदभाव के पिछले 16 सालों से इस नेक काम को कर गरीबों को फैज पहुंचा रहे हैं। तंजीम की इसी मुहिम में आज 230 लिहाफों को गरीबों में तकसीम करने की गरज से एक प्रोग्राम का आगाज थाने के सामने बनी सरकारी इमारत में किया गया, जिसकी सदारत शहर इमाम मौलाना मोहम्मद कामिल अंसारी ने की और निजामत को मास्टर फहीम अहमद ने अंजाम दिया। प्रोग्राम में मेहमान खुशूसी की हैसियत से इलाके के मेंबर ऑफ असेंबली अशोक कुमार राणा की मौजूदगी देखी गई। साथ ही बस्ती के चेयरमैन अख्तर जलील, नगर पालिका सेक्रेटरी अनिल पंडित, डॉक्टर HS कारला, पारेश जैन उर्फ बाबा जैन, रिटायर्ड CO इकबालुजमा, चौधरी फहीम उर रहमान, डॉक्टर महमूद अख्तर, बब्बन ठेकेदार, डॉक्टर रईस अहमद, डॉक्टर तारिक रजा, डॉक्टर यत्त गौड, असज चौधरी, अरुण कुमार वर्मा, नायर चौधरी, तुलाराम चंद्रा, राजपाल प्रजापति, मेजर रईस चौधरी, याकूब सलमानी के अलावा और भी लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम के आखिर में तंजीम के सदर सुहेल जफर ने तंजीम से जुड़े सभी लोगों फहीम अहमद, रईस अहमद, लव कुमार चौहान, अनिल चौधरी, मोहम्मद अकरम, फिरोज हैदर, फिरोज अख्तर की जानिब से प्रोग्राम में आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। धर्मेंद्र कुमार भुटिया इसी कड़ी में रियासत था और फिर साहब से गुजारिश करूंगा। जनाब मेरे साथ थी जनाब कांता प्रसाद पुष्प जी से गुजारिश करूंगा। अपना सम्मानित धर्मेंद्र भुटिया तालियां बजती रहे के वो हसीनुद्दीन अंसारी साहब मैं गुजारिश करूंगा। मैंने अहमद साहब से जनाब निकेश भटनागर जी से गुजारिश करूंगा और चेयरमैन साहब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और विधायक जी क्या आने वाले वर्षों में मैं इस समस्त पदाधिकारियों को सम्मानित करूंगा। यही नगर में यह कोई ऐसी बात, ये कोई भाषण देने का मंच नहीं है। नगर आपका है, इसको स्वच्छ रखिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करे। यही मैं आग्रह करूंगा आपसे, सफाई व्यवस्था रखें। आपका शहर है, मुझे चेयरमैन न समझे, सब चेयरमैन है। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले तो मैं हेल्पलाइन सोसाइटी के सभी सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि 16-17 साल इसको रजिस्टर्ड करे हुए हो गए और निरंतर तौर पर इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और 16 साल एक लंबा पीरियड होगा, आपस में कितना स्पष्टता इनमें रहती होगी हर चीज को लेकर के, कि जो 16 साल तक ने विवाद नहीं किसी बिना किसी झगड़े के ये इस कार्य को अंजाम देते चले आए हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हर साल ये अपनी लिहाफ वितरण की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा बहुत अंश
हम लोगों से मिले। सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर एच एस कालरा जी, कलेश जैन साहब और तमाम उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्ति, क्योंकि टाइम कम है इसलिए सबके नाम नहीं ले सकता, यहाँ पर सभी मौजूद हमारे सम्मानित बुजुर्ग साथी और मेरी हेल्पलाइन सोसाइटी के तमाम कार्यकर्ता, मैं सभी का यहाँ आने पर खैर मकदम करता हूँ और सभी का धन्यवाद।